काफी टेम्पटिंग लग रही है। ढाबा है, बॉम्बे पाव भाजी, मुझे लगा केवल काफी बटर डाला है, चाप ड्राई सोया चाप, जितने भी ये बॉम्बे के आपको दिखेंगे ना हमें दिक्कत नहीं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता, आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। सो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में मेरा साथ देने वाली मेरी फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड तृप्ति से। हाय। तो आज हम लोग आए हैं हजरतगंज साइड, और यहाँ पे जो सहारागंज वाली ये रोड रहती ना, यहाँ पे मुझे हमेशा से ये बॉम्बे का बहुत दिखता था। बॉम्बे फूड हब है, बॉम्बे पाव भाजी है, और बॉम्बे की यहाँ पे भेल एंड सैंडविच है, सैंडविचेस है। तो मैं हमेशा सोचती थी कि यार ये मुझे एक्सप्लोर करना है एक साथ, तो बॉम्बे का जो खाना सी फूड यहाँ पे मिल रहा है वो कैसा होगा। बॉम्बे का जो स्ट्रीट फूड है, मुंबई का, महाराष्ट्र का मतलब, तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये ब्लॉग। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, नीचे प्यारा सा लाल कलर का बटन होगा जिसे खचक से दबाकर मेरी प्यारी सी यूरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। तो चलिए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, लेट्स गो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं बॉम्बे का भेल एंड सैंडविचेस, जो कि यहाँ पे मिल रहा है। एंड एक बार आई थिंक मैंने यहाँ पे भेल इनकी खाई हुई है, लेकिन आज हम भेल पूरी भी और यहाँ का सैंडविच भी ट्राई करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी जो भेल पूरी है वो आ चुकी है। 50 रुपए की ये भेल है, एंड दिखने में काफी टेम्पटिंग लग रही है यार, बहुत कुछ उसमें डाला है। सो लैया वगैरह है, मूंगफली है, चटनी है, अनार है, प्याज है, सेव है, और ये पापड़ी भी डाला है। सो खाते हैं, लेट्स टेक अ फर्स्ट बाइट। अभी भेड़ नीचे ही है जो उसी वाले, थोड़ी सी तीखी, थोड़ी सी टांगी, मीठी, क्रंची काफी लग रही है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी चीजें डाली गई हैं। मस्त है। आज मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी रिव्यू देगी। कैसी लगी? तो इसका जो टेस्ट है ना, मजेदार तो है ही, मतलब ऐसा है कि आपको कुछ हल्के में खाना हो लेकिन चटपटा कभी कभी मन कर जाता है ना खाने का, उस टाइम पे ये चाहिए, मतलब ऐसा हो जाता है, कुछ चटपटा सा, कुछ मीठा सा, खट्टा सा, सारे फ्लेवर्स आपको इसमें मतलब मिल जाएंगे। तो मुझे ये अच्छा लगा, तो मैं इसको 8 out of 10 देना चाहूंगी। तुम कितना देना चाहोगी? 7 तो मुझे सही लगा, मतलब आप इधर के साइड आते हो तो ये चीज ट्राई कर सकते हो। अब हम इनका सैंडविच ट्राई करेंगे और फिर देखते हैं कि वो कैसा होता है। यह है यहाँ का मेन्यू, बॉम्बे भेल एंड सैंडविचेस, जहाँ पे आपको भेल पूरी मिल जाएगी, सेव पूरी है, दही पूरी है, दही पापड़ी चाट है, गोल्डन भेल है, और ये डिफरेंट डिफरेंट सैंडविचेस है। सो हमने यहाँ पे भेल पूरी तो ट्राई कर लिया है, अब हम यहाँ पे वेज ग्रिल सैंडविच ट्राई करेंगे, चीज वाला। सो 120 का है। हमारा जो सैंडविच है, हमारा नहीं मतलब सैंडविच यहाँ का बॉम्बे का ले लिया हमने, और ये हमारा ग्रिल सैंडविच था चीज वाला, 120 रुपीज का, और टेस्ट कर लिया है। @punchoftwist वहाँ पे भी जाके फॉलो करें, अच्छा अच्छा कंटेंट डालती हूँ। और काफी गर्म था यार, मुंह भी थोड़ा जल गया, लेकिन टेस्टी काफी है। और यहाँ पे जितने भी ये बॉम्बे के आपको दिखेंगे ना, ये सब एक ही का है। आई थिंक सबसे पहले बॉम्बे पाव भाजी वाले आए थे, उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने ये सारी चीजें खोल दी, और पिछले 6 सालों से तो यही वाला जो स्ट्रीट में आपको दिख रहा है, बॉम्बे भेल वाला सैंडविच वाला, वो दे रहे हैं अपने लोगों को। मतलब टेस्ट भी काफी पसंद आता है, तो इसलिए मैंने सोचा था यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, और अच्छा है। आई थिंक जिसको ज्यादा भूख लगी होगी वो उसके लिए इनफ है एक सैंडविच, और अगर जिनको थोड़ा कम कम खाना हो तो 2 लोग इनफ है। मेरी फ्रेंड आपको बताएगी, आज मैं उसका भी ले रही हूँ, बिकॉज एक लोगों का रिव्यू से ऐसा होता है कि भाई लोगों को लगता है कि सच नहीं बोल रहे, तो आज पहली बार ये खा रही है। कैसा लगा? मतलब सिंपल सा है, ऐसा लग रहा है जैसे घर वाला सैंडविच, मतलब और चीज वगैरह डाल के खूब लोडेड वाला सैंडविच है, इसके अंदर काफी सारी सब्जियां वगैरह डाली है, चीज भी काफी भर भर के डाला है, बटर तो खूब सारा लगा है,
चटनी चटनी इज गुड ना, चटनी अच्छी है। One hour later. बढ़िया तरीके से हमने भेलपूरी और सैंडविचेस जो सैंडविच वो खा लिया। एक ही सैंडविच था वो, लेकिन काफी बड़ा सैंडविच था तो पेट भर गया। भैया कह रहे थे कैसा लगा, हमने कहा बहुत अच्छा लगा, अच्छा था यार। काफी मतलब गरम गरम था तो और टेस्ट उसका अच्छे से एनहांस होके आ रहा था। बिल्कुल घर वाला सैंडविच था, लेकिन बड़ा सा सैंडविच था वो। सो अब हम आ गए हैं बॉम्बे पाव भाजी में और आज हम यहाँ की पाव भाजी भी ट्राई करेंगे। ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा, हमेशा इधर से गुजरती तो थी लेकिन कभी इसका ट्राई नहीं किया मैंने। तो चलते हैं ट्राई करते हैं। मुझे लगा केवल नीचे बैठने का, ऊपर भी नहीं यार, यहाँ पे बैठे। तो दोस्तों हम लोग नीचे ही जा रहे हैं, थोड़ा ऑक्यूपाइड भी था लेकिन हमने सोचा स्ट्रीट में ही इसका मजा लेंगे पाव भाजी का। तो बाहर चलते हैं, यहाँ पे देखो इतने बल्ब में यार भाजी बन रही है, सही है, मेहनत तो है भाई। और इधर पाव गरम गरम सेक के जा रहे हैं। में आ गए पाव भाजी, बॉम्बे की पाव भाजी। तो यहाँ पे पाव भाजी का जो रेट है वो 160 रुपए है और हमने उसके साथ मोहितो भी ऑर्डर किया था जो कि 90 रुपए का है। एंड टेस्ट करते पहले अच्छा है, काफी अच्छा है। और यहाँ पे आप साउथ इंडियन भी खा सकते हो, आपको यहाँ पे शेक्स भी मिल जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे लोग पाव भाजी खाने आते हैं, साउथ इंडियन भी खा सकते हैं लेकिन पाव भाजी यहाँ की फेमस है। तो लेट्स सी कि अब हम ट्राई करेंगे तो कैसी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे पाव भाजी आ चुकी है और इसमें देख सकते हैं भाजी दो उसमें डाली गई है, क्या बोलेंगे उनको जगह में डाली गई है, ठीक है। इसमें प्लेट में यहाँ पे प्याज नींबू और बन दिया गया है, मतलब पाव दिए गए हैं। सो आप खाते हैं एंड बताते हो। काफी बटर डाला है यार, आज बटर बहुत ज्यादा हो गया है लेकिन एक दिन तो चलता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो दोस्तों ये जो पाव है ना, पाव काफी सॉफ्ट है, काफी बटरी भी है, मतलब अच्छे से इसको सेका गया है। भाजी जो है थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा चटपटा कम लगा। इसका प्राइस है 160 रुपीस, थोड़ा प्राइस ही मुझे ज्यादा लगा। एटलीस्ट मतलब 125 या 130 का भी होता तो प्राइस सही लगता मुझे। ऐसा लगा ये जो भाजी थी ना, बहुत ताजी ताजी यहाँ पे हमारे सामने बनाई गई थी तो मुंह में पानी उसको देखते ही आ रहा था। ये थोड़ा सा मुझे लगता है जैसे स्ट्रीट में बिल्कुल प्रॉपर नहीं होती चटपटी मसालेदार, वो थोड़ी सी कम लगी, लेकिन जिनको थोड़ा कम तीखा खाना पसंद है उनको अच्छी लगेगी। काफी बटरी भी है और बाद में जाके जो उसका स्पाइसीनेस है ना वो फिट कर रहा है। तो अगर आप इधर के साइड आते हो तो बॉम्बे की पाव भाजी आप ट्राई कर सकते हो। सो दोस्तों बॉम्बे की पाव भाजी भी हमने खा लिया है बढ़िया तरीके से। अब हम आ गए बॉम्बे फूड हब में और बहुत लोग यही सोचोगे कि यार कितना खाते हो आप लोग, यार इतने टाइम से मैंने फूड ब्लॉग नहीं बनाया था इसलिए आप लोगों के लिए बना रही हूँ और मैं खा रही हूँ, मेरी फ्रेंड खा रही है। जब हमें दिक्कत नहीं हमें दिक्कत नहीं है तो आप लोगों को क्यों है मतलब दिक्कत। तो आराम से देखो ब्लॉग, देखो इंजॉय करो, आप लोगों को बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिखा रही हूँ। सब हम चलते हैं अभी बॉम्बे फूड हब में। ये नीचे ऊपर दो ना भैया, चलते हैं लेट्स गो। यहाँ पे हम लोग ऊपर बैठ के खाएंगे। ये बॉम्बे की पाव भाजी का बॉम्बे फूड हब है लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ फेवरेट लिखा है। सो ये यहाँ का मेन्यू है जहाँ पे आपको मोहितो शेक सूप बॉम्बे की पाव भाजी चाइनीज स्टार्टर सोया चाप ड्राई सोया चाप ग्रेवी स्पेशल चॉप स्यू करके कुछ है चाइनीज ग्रेवी नूडल्स चाइनीज राइस और तो ये सारे आइटम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो हमने यहाँ से सोया चाप ऑर्डर किया है विद रुमाली रोटी। यहाँ पे सोया चाप हमने ऑर्डर किया था, मलाई सोया चाप वो आ गया एंड विद रुमाली रोटी। सो लेट्स सी कि कैसा होता है। सोया चाप मलाई सोया चाप विद रुमाली रोटी और यहाँ पे हमने फिर से ड्रिंक ऑर्डर कर दिया था, मन कर रहा था पीने का। सो ट्राई करते हैं और मेरा फेवरेट भी है मलाई सोया चाप, इस वजह से मैंने मंगाया। सो ये है सोया चाप जो कि 160 रुपये का है, ये भी हाफ प्लेट आई गेस। काफ़ी सॉफ्ट है, कहीं कहीं पे ना जो जो सोया चाप होता है ना उसको इतना ज़्यादा तंदूर में ना जला दिया जाता है, उसका मतलब हार्ड सा हो जाता है तो वो पसंद नहीं आता। तो ये काफ़ी सॉफ्ट सा है और थोड़ा सा इसमें जो ग्रेवी है मलाई दी गई है कहीं कहीं पे ड्राई हो जाता है तो ये ड्राई बिल्कुल नहीं है। बॉम्बे फूड हब से भी हम लोग निकल चुके हैं खा पी कर और
तीनों जगह का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। लेकिन सबसे जो बेस्ट था ना वो यहाँ पे था बॉम्बे भेल एंड सैंडविचेस का। पाव भाजी भी अच्छी थी, सोया चाप भी अच्छा था, आप ट्राई कर सकते हो। ये तीनों जगह का टेस्ट काफी अच्छा है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है नमक मिर्च का ऐसे कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर, ये देखो मेरा ब्लॉग बुला रही है आगे से। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नीचे प्यारा सा लाल कलर का बटन होगा, जैसे खचे से दबा कर मेरी प्यारी सी यूरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। मैं मिलती हूं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।